नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। दतिया, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस संबंध में ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष कालका प्रसाद दुबे की अध्यक्षता में ब्राह्मण समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर आरती उतारी। इस अवसर पर दुबे ने समाज के सभी बंधुओं से 3 मई को प्रातः 9 बजे राज बिहारी मंदिर पकौड़िया महादेव पर आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित होने की अपील की। दुबे ने बताया कि प्रातः 9 बजे भगवान परशुराम का अभिषेक पूजन एवं आरती की जाएगी और शाम 7 बजे महिला मंडल द्वारा मंदिर में भजन कीर्तन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी किया जाएगा। दुबे ने दतिया जिले की धर्मप्रेमी जनता से आग्रह किया है कि 4 मई को आयोजित पीताम्बरा मां जयंती रथ यात्रा में शामिल हो। इस अवसर पर कमलकांत शर्मा, शैलेन्द्र रज्जू बुधोलिया, पूरन चंद्र शर्मा, मनीराम शर्मा, राम सहाय दुबे, चंद्र प्रकाश दुबे, राजेन्द्र पाठक, शिवाकांत शर्मा, आकाश दुबे, विकास दुबे, विट्टू दुबे आदि उपस्थित रहे। हरि ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये कल परशुराम जयंती है तो क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आपके द्वारा? आयोजन तो हर वर्ष होता है परशुराम जयंती पर, कल सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अभिषेक एवं पूजन है परशुराम भगवान का। उसके बाद कन्या भोज है, कन्या भोज के बाद उपस्थित सभी ब्राह्मणों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात जो भी महिलाएं होंगी वो शाम को मंदिर पर कीर्तन भजन करेंगी और दीप जलाएंगी। किस मंदिर पर आयोजन होता है? राज बिहारी जी के मंदिर पर ये आयोजन होता है जो कि बड़े मार्ग के समीप। कितने वर्षों से चल रहा है कार्यक्रम? लगभग ये तो काफी, जब से मैंने वो संभाला है जब से चल रहा है, लगभग 30 वर्ष मुझे हो गए हैं अध्यक्ष पद संभाले हुए। तब से तो मैं ये अभिषेक का कार्यक्रम करते ही रहता हूँ और सारे ब्राह्मण आते हैं। मैं सारे ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि कल जो है सभी लोग अभिषेक में शामिल हों। तत्पश्चात 4 मई को पीताम्बरा माई की जयंती पर सभी ब्राह्मण पीले वस्त्र पहनकर वहां उपस्थित हों और माई की रथ यात्रा की शोभा बढ़ाएं और पुण्य कमाएं। दतिया से खबर समय जगत के लिए सतीश सिहारे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.